एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिफरेंट रूट्स के। ओरल रूट है, ठीक है। ओरल रूट क्या है, इसमें इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि किसी एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। इजीली हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लो रिस्क ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा नहीं होता जब हम ओरली रहते हैं। तो टॉक्सिसिटीज एंड ओवर डोजेज कैन बी ईजिली ओवरकम बाई एंटीडोज सच एज एक्टिवेटेड चारकोल। टॉक्सिसिटी होगी ड्रग की, तो क्या होता है कि हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि उसके उसको ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई स्टेप ले सकते हैं। एब्जॉर्ब होने में ड्रग को टाइम लगता है, तो अभी स्टमक में ही होती है, तो हम क्या करते हैं कोई ना कोई स्टेप ले लेते हैं उसको स्टमक से इजीली रिमूव करने का। तो इजीली रिमूव हो जाती है, क्योंकि जब ड्रग एक बार ब्लड में चल गई फिर उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, वो हमारे लिए भी खतरनाक होती है। जब तक स्टमक में है तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई ना कोई स्टेप ले सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ये यूनिवर्सल एंटीडोट होता है हमारा, ठीक। जो पॉइजन होता है उसको इनएक्टिव करने के लिए ये हमारे पास जो है इसको यूनिवर्सल एंटीडोट भी कहते हैं। भी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग यानी कि ज़्यादा नमकीन पानी पिला देते हैं। ज़्यादा नमकीन पानी पिलाने से क्या होता है, वोमिटिंग हो जाती है, तो जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्टमक वॉश कर देते हैं पेशेंट का, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो जाते हैं, इसकी बायोअवेलेबिलिटी लो होती है, जाहिर सी बात है, वो कहाँ से पहले उसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगी तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है, लॉन्ग पाथवे है, ठीक है, ज़्यादा लंबा रूट है। ड्रग जो होती है वो ड्रग इनएक्टिविटी ड्यू टू स्टमक एसिडिटी, ठीक है। स्टमक की जो एसिडिटी होती है उससे भी ड्रग इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। स्टमक के इंजाइम्स से भी ड्रग इनएक्टिव हो जाती है, जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो उससे भी जो ड्रग होती है वो इनएक्टिव हो जाती है। ड्रग कॉज इरीटेशन टू स्टमक, ठीक है, स्टमक के अंदर इरीटेशन भी कॉज करती है। फूड में इफेक्ट एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब हम ड्रग लेते हैं उसके साथ फूड लेते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि जो फूड होती है वो उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। समटाइम्स फूड एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो फूड का भी इफेक्ट होता है इसकी एब्जॉर्प्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मीन कि हम कहाँ रखते हैं, टंग के नीचे, ठीक है, प्लेस अंडर दी टंग, ड्रग को ज़ुबान के नीचे रखते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसमें भी जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि वो जो रूट होता है पूरा, यानी कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन उसको फॉलो नहीं करती, क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। जब हम टंग के नीचे रखते हैं तो उस नीचे जो वेन्स होती हैं तो उसमें ब्लड एब्जॉर्ब हो जाती है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली एंड रैपिडली एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, ठीक है। बाईपास हार्श जीआईटी एनवायरनमेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है तो जो जीआईटी का रूट है उसको उससे बच जाती है, ठीक है। शॉर्ट पाथवे है, ठीक है। लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन का इनके होने का खतरा कम होता है। इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी, जाहिर बात है जब स्टमक से नहीं पास करेगी तो लीवर से भी पास नहीं करेगी पहले, इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ड्रग लॉस कम होगा। ड्रग स्टेबिलिटी मेंटेन ड्यू टू न्यूट्रल पीएच ऑफ सलाइवा, जो ड्रग होती है वो स्टेबल रहती है सलाइवा में, क्योंकि सलाइवा की पीएच जो होती है वो न्यूट्रल होती है, स्टमक की पीएच की तरह एसिडिक नहीं होती जो कि ड्रग को इनएक्टिव कर देती है, कि इसमें ड्रग जो है वो स्टेबल रहती है, ठीक है। उसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, लिमिटेड सर्टन टाइप्स ऑफ ड्रग्स, यानी कि कुछ ड्रग्स हम इस तरह से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ज़्यादातर ड्रग्स नहीं कर सकते। इसमें टेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को, ठीक है, नाजिया वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, दिल ख़राब होने लग जाता है, नहीं दिल करता टेस्ट की वजह से, नहीं दिल करता ज़ुबान के नीचे रखने को। नेक्स्ट हमारे पास है बकल रूट, और ये सिमिलर होता है सब लिंगुअल रूट की तरह। बकल रूट क्या होता है, जब हम चीक्स और गम्स के दरमियान जब हम मेडिसिन ड्रग को प्लेस करते हैं तो उसको कहते हैं बकल रूट। ये सब लिंगुअल का इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब लिंगुअल रूट के जैसे ही हैं। नेक्स्ट है पारेंट्रल रूट। पारेंट्रल रूट में हम डायरेक्टली ड्रग को ब्लड में एडमिनिस्टर कर देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू करते हैं, तो डायरेक्टली वो हम इसको ब्लड में एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग को। तो ये क्या होता है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं कम होती है इसकी,
बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। बस पर मेटाबॉलिज्म तो होती नहीं ना इसमें, तो बायोअवेलेबिलिटी इसकी 100% होती है। तो कौन सी ड्रग्स के लिए हम जीआईटी ट्रैक से पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं, यानी कि जीआईटी ट्रैक से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, वो हम पारेंटल रूट से दे सकते हैं, या जो इनएक्टिव हो जाती हैं जीआईटी ट्रैक से, जीआईटी के जो एंजाइम्स हैं उसको इनएक्टिव कर देते हैं, या जो स्टमक की एसिडिटी है वो इसको ड्रग्स को इनएक्टिव कर देती है, तो उनको हम पारेंटल देते हैं। तो अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिनके जिनको होश नहीं होता, तो उनको हम पैरेंटल रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड होता है, डायरेक्टली ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है, उससे पहले जो वो है पूरा जो जीआईटी का ट्रैक है उसको फॉलो नहीं करना पड़ता, तो डायरेक्टली जो ड्रग है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसलिए इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी जल्दी आ जाता है, ठीक है। इंट्रावीनस है, आईवी है, वही है, इनमें सब में कि बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, फर्स्ट फाइन मेटाबॉलिज्म नहीं होती, ठीक है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, तो और जो जीआईटी जो स्टमक की एसिडिटी होती है उससे भी ड्रग बच जाती है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि इसके लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है एडमिनिस्टर करने के लिए, हम खुद से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है। और हीमोलिसिस होती है, यानी कि ब्लड सेल्स टूट जाते हैं, ब्लड सेल्स टूट सकते हैं अगर सही तरह से एडमिनिस्टर ना करें तो। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर, इसमें क्या कहते हैं हम, ये होती है सूटेबल फॉर ऑयली वहीकल्स एंड इरीटेटिंग ड्रग्स, जो कि आईवी ब्लड में इरीटेशन कॉज करती है, वो ड्रग्स हम इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, ठीक है। जो कि ब्लड में इरीटेशन कॉज करती हैं उनको हम इंट्रामस्कुलर रूट से दे देते हैं, इनकी बायोअवेलेबिलिटी भी हाई होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती, ठीक है, रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। इसमें भी इसके डिसएडवांटेज भी सेम है, इसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, पेन होती है, ठीक है, और हैमरेज जो मसल्स होते हैं उनकी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस रूट ऐसी ड्रग्स के लिए सूटेबल होता है जो स्लोली रिलीज हो, ठीक है, आइडियल फॉर सम पुअरली सोलबल सस्पेंशन, ठीक है, जो पुअर सोलबल नहीं होती सस्पेंशन उनको हम सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं। क्या करता है, कॉज इरीटेशन टू टिश्यूज, इनके टिश्यूज़ की में इरिटेशन कर सकता है, स्किन में पेन हो जाती है, ठीक है, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, नेक्रोसिस हो सकती है, टिश्यू डेड हो सकते हैं, ठीक है। सूटेबल फॉर ड्रग एडमिनिस्टर्ड इन लार्ज वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास है अदर रूट्स में आ जाएंगे ट्रांसडर्मल, ठीक है, ये इसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती, के सूटेबल फॉर लिपिड सोलबल जो ड्रग्स होती हैं जो कि ऑयल में सोलबल हो जाती हैं, वाटर में सोलबल नहीं होती, वो हम ट्रांसडर्मल रूट से दे सकते हैं, ठीक है। सूटेबल फॉर ड्रग्स दैट आर क्विकली एलिमिनेटेड फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है, यानी कि जो ड्रग जल्दी से बॉडी से एलिमिनेट हो सकती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब जल्दी से बॉडी से एलिमिनेट होंगी तो उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, और हमें वो ड्रग बार बार एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे पेशेंट को जो है वो अच्छा फील नहीं करता, तो हम क्या कहते हैं ट्रांसडर्मल पैच यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि स्किन के साथ लगा रहता है और ड्रग जो होती है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से रिलीज होकर हमारे ब्लड में आती रहती है, ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या है, इसमें एलर्जी हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है स्किन के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता ड्रग की डिलीवरी होती है, ठीक है, और सिर्फ जो होती हैं लिपिड सोलबल ड्रग्स होती हैं उसके लिए होती हैं, और सिर्फ स्मॉल क्वान्टिटीज़ में जो ड्रग होती हैं उसके लिए सिर्फ हम ये रूट फॉलो कर सकते हैं। रेक्टल रूट में भी ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती कि बाईपास डिस्ट्रक्शन बाय एसिड, ठीक है, स्टमक की एसिडिटी से भी बच जाता है। सूटेबल फॉर ड्रग्स अगर पेशेंट कोमा में है या वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को, तो उसके लिए हम ये रूट फॉलो करते हैं, ठीक है, ये भी इरिटेशन कॉज कर सकती है रेक्टल म्यूकोजा में, ठीक है, पेशेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा फील नहीं करता इसको लेने से। तो इन्हीलेशन में क्या है, इसमें भी रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, इन्हीलेशन जो होती है वो गैसेस फॉर्म में जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए हम इस रूट को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन ऑन टारगेट लंग्स, ठीक है, कब हम एडमिनिस्टर करते हैं, जब हमने लंग्स के ऊपर हमने डायरेक्ट टारगेट करना हो लंग्स को, तब ये हम रूट फॉलो करते हैं, ताकि डायरेक्ट जो ब्लड है वो लंग्स में जाए, जहाँ पे हमें इसका इफेक्ट चाहिए होता है, ठीक है।
फीवर सिस्टेमिक इफेक्ट्स हो, ड्रग डायरेक्ट लंग्स में जा रही है तो लंग्स पे ही इसके इफेक्ट आएंगे, सिस्टेमिक इफेक्ट्स फिर नहीं आएंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत जो ड्रग है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती होगी, उसके इफेक्ट आते हैं सिस्टेमिक, अदरवाइज जो है वो लंग्स पे ही आएंगे। ठीक है, लो डोजेस यूज्ड कंपेयर टू अदर रूट्स। ठीक है, लो डोजेस स्मॉल होती है। डिसएडवांटेज क्या है, मोस्ट मोस्ट एडिक्टिव रूट बिकॉज ड्रग्स कैन क्विकली एंटर द ब्रेन। ठीक है, जब हम इस रूट से लेते हैं तो क्या होता है कि ड्रग जल्दी से ब्रेन में एंटर हो जाती है, जिसकी वजह से ये इसको पेशेंट जो है जो वो एडिक्टिव हो जाता है। ठीक है, पेशेंट्स हैव डिफिकल्टी इन यूजिंग इनहेलर्स। पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है इनहेलर्स वगैरह इस्तेमाल करने में, पेशेंट को नहीं पता चलता किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, या ड्रग जो है वो प्रॉपर इनहेल नहीं कर सकते, कर पाते। पेशेंट कैन नॉट एडजस्ट डोजेस, वही पेशेंट को डोज का अंदाज़ा नहीं होता कितनी कितना इनहेल करना है, कितना इनहेलर्स को प्रेस करना है, कितनी ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, तो उनका उसको पेशेंट को अंदाज़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, इनका फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।